नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हमें तीसरी इकाई के 9वें पाठ को शुरुआत करनी है और पाठ का नाम है बच्चों पिता का पत्र पुत्री के नाम। इस पाठ में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो 1942 का चले जाओ आंदोलन हमारे भारत में छेड़ा गया था, तब उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी थी और उस वक्त पंडित जी ने अपनी बेटी यानी पुत्री प्रिय इंदिरा जी से जो पत्र लिखा है जन्मदिन के उपहार पर शुभकामना देने के लिए पत्र लिखा है, वह पत्र आज हमें देखना है। तो बच्चों, इस पाठ को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पेज नंबर 56 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, अभी हम इस पाठ को शुरुआत करेंगे। यह पत्र जो है वह हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा जी के लिए यह पत्र लिखा हुआ है। चलो हम पत्र को शुरुआत करते हैं। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? देखो बच्चों, पंडित जी अपनी बेटी से यानी पुत्री से पत्र के आधार पर बात कर रहे हैं और वह पत्र में लिखते हैं कि जन्मदिन पर तुम्हें बहुत सारे उपहार मिलते रहे हैं और शुभकामनाएं भी मैं देता रहा और इस वर्ष मैं जेल में बैठा हूँ और तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? ऐसे वह इंदिरा जी से अपनी पुत्री से बोल रहे हैं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। देखो पुत्री, मैं यहाँ से तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, कुछ उपहार नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जो शुभकामनाएं हैं वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। ऐसे पंडित जी अपनी बेटी से कहते हैं। आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। देखो बच्चों, पंडित जी अभी आंदोलन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि देखो बच्चों, 1942 के वक्त जब चले जाओ आंदोलन हुआ था, तब की यह बात है और तब यहाँ पर पंडित जी अभी आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखो, आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। देखो बच्चों, और यह जो 1942 का चले जाओ आंदोलन है, वह हमारे जो भारतवासी है उनके लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा गया है। क्योंकि बच्चों, तब के समय हमारा भारत जो है वह स्वतंत्र नहीं हुआ था और इसीलिए भारतवासी जो है हमारे वह स्वतंत्र नहीं थे, वह बच्चों स्वतंत्र नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा गया है। ऐसे पंडित जी बता रहे हैं। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह महान आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। देखो बच्चों, आगे पंडित जी कहते हैं, यह आंदोलन जो है वह हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इसीलिए हम भाग्यशाली है और हम भी जो है वह इसमें भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि एक प्रकार इस आंदोलन का एक भाग होने के तौर पर हम भाग्यशाली है और यह जो आंदोलन है वह हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हमने इसमें हिस्सा लिया है, इसीलिए वह भाग्यशाली हुए। ऐसे पंडित जी इंदिरा जी से कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं देखो बच्चों, अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। देखो बच्चों, पंडित जी अभी आगे बता रहे हैं, हमने आंदोलन में तो भाग लिया है लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग ले, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। अभी हमने इस आंदोलन में भाग तो लिया है लेकिन हमारा मुख्य कार्य क्या है, यह भी हमें तय कर लेना है और
इस आंदोलन में हिस्सा लेना यह हमारा कर्तव्य भी है, साथ ही में इस आंदोलन में हमें क्या कार्य करना है यह भी हमें तय करना है, और यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है, यह बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे पंडित जी यहाँ पर इंदिरा जी से पत्र के आधार पर वो लिख रहे हैं। आगे देखो पत्र में वह लिखते हैं, जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। देखो बच्चों, और वह आगे कहते हैं, जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ इस आंदोलन के बारे में अगर तुम्हें कोई संदेह है तो मुझे बताना, मैं उस पर एक तुम्हें छोटा सा उपाय बताता हूँ। ऐसे पंडित जी उनकी बेटी को इंदिरा जी से कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देखो, तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े। देखो बच्चों, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिस काम से तुम्हें दूसरों से वह काम छिपाने की आवश्यकता पड़े। मतलब तुम अच्छे ही काम करते रहना और तुम्हारे अच्छे कामों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे पंडित जी उनकी बेटी से, मतलब पुत्री से कहते हैं। किन से? इंदिरा जी से। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। और तुम बहादुर बनो और बाकी का जो वातावरण है वह अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे पंडित जी उनकी बेटी को, उनकी पुत्री को, इंदिरा जी को पत्र में लिखते हैं। आगे वह लिखते हैं, देखो बच्चों, तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन, जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। देखो वह आगे कहते हैं कि यह जो आंदोलन स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हमने छेड़ा है उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हमने छेड़ा है और भारत को स्वतंत्र करने के लिए, और हमारे भारत के जो भारतवासी मतलब भारत में रहने वाले लोग, उनके दुखों को दूर करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा गया है, और इसीलिए इसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं तुझे लिखकर पूरी बातें बता रहा हूँ। ऐसे पंडित जी उनकी पुत्री को कहते हैं। आगे वह लिखते हैं, हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। देखो बच्चों, और हमारे जो काम है वह सही काम है, इसीलिए यहाँ पर एक वाक्य दिया है, हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। मतलब हम कोई खराब काम करते ही नहीं है, हमारे काम जो है वह भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए है, और यह पूरे जो काम है वह अच्छे काम है, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। देखो बच्चों, और वह पंडित जी, हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जी आगे कहते हैं कि भारत की सेवा के लिए तुम्हें बहादुर सिपाही बनना है, और उनकी यही शुभकामना वह पत्र के साथ लिखते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। और पत्र का जो अंत है वह कौन से शब्दों से करते हैं? अच्छा बेटी, अब विदा। मतलब अब मैं लिखना बंद करता हूँ, तुम्हें क्या करना है, भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनना है, और तुम्हारे जन्मदिन पर यही मेरी शुभकामना है। ऐसे पंडित जी उनकी बेटी को किसको कहते हैं? इंदिरा जी को कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों, हमारा जो पत्र है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है। इस पाठ में क्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा है, और कहाँ से? जेल से। इस पत्र में वे अपनी बेटी को हर काम बिना छिपाए करने को, और बहादुर बनने के लिए और सिपाही बनने के लिए एक प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार आज हमने पिता का पत्र पुत्री के नाम यह पाठ देखा है। तो बच्चों, आप सबको यह पाठ समझ में आया है ना? ठीक है, अभी बच्चों हमारा पाठ तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अभी आपको एक घर पर गृह कार्य है। जैसे कि बच्चों देखो, जिस प्रकार मैंने इस पत्र का अनुवाचन किया उसी प्रकार आपको इस पत्र का अनुवाचन करना है। मतलब आपको यह जो पत्र है
वह इस पत्र का आपको लाउड रीडिंग प्रकट वाचन करना है, क्योंकि आपको यह पाठ पूरा समझ में आए इसीलिए आपको यह पाठ पढ़ के बताना है। ठीक है, धन्यवाद।